Let's read the question. In the given question, question says match the following hormones with the respective diseases. Select the correct option here. So we have been given with four uh, matching: insulin, thyroxine, corticoids, growth hormone. These are the options, and we need to match them with the option: Addison's disease, diabetes insipidus. एक्रोमिगैली एंड गॉइटो एंड डायबिटीज मलाइटिस एज वेल सो दीज आर द ऑप्शन वी नीड टू मैच एंड वी नीड टू फाइंड आउट तो इस केस में की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा की कॉन्सेप्ट ओवर हेयर विल बी एंडोक्राइन सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केमिकल मैसेंजर्स बनते हैं बेसिकली हारमोन्स प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी के वो ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं ना एंडो एंडोक्राइन ग्लैंड अपने सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं एंड दे आर गोइंग टू रीच देयर टारगेट साइट हार्मोन्स होते क्या है हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स हैं बॉडी के सो दीज आर दी केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी मतलब ये मैसेजेस लेकर जाते हैं बॉडी में जहाँ पे भी जो भी चेंजेस होने हैं वो चेंजेस करने के लिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट हार्मोन्स दैट आर बींग सीक्रेटेड बाई डिफरेंट ग्लैंड एज वेल तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो वी हैव सबसे पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूट्री ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इसका काम होता है टू सिक्रेट अ हार्मोन दैट इज ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम शॉर्ट में जी एच भी कहते हैं ना ग्रोथ हॉर्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ इंड्यूस करता है किसी की भी बॉडी में और अगर इसका मैलफर्मेशन हो या मेल फंक्शन करे पिट्यूटरी ग्लैंड तो अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर रिलीज होगा इट कैन लीड टू अ कंडीशन विच इज नोन एज एक्रोमिगैली ऐसी कंडीशन जहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअलो नोन एज दास्टर ग्लैंड इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज इट कैन कंट्रोल दल अदर ग्लैंड एज वेल हमारे बॉडी में कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है जिनमें से एक है थारॉइड ग्लैंड एज वेल थायराइड ग्लैंड का काम है टू सीक्रेट अ हार्मोन व्हिच इज नोन एज थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन हार्मोन टू फॉर्म्स में सीक्रेट होता है डेट इज टी थ्री एंड टी फोर नाउ थायरोनिन एंड थायरॉक्सिन बोलते हैं दीज आर नोन एज थायरोनिन एंड थायरॉक्सिन रिस्पेक्टिवली एंड थायरॉक्सिन हार्मोन का काम होता है टू हेल्प इन मेंटेनिंग और कंट्रोलिंग कैन से मेंटेनिंग uh, uh, और कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी बॉडी में जो फूड मेटाबॉलिज्म है दैट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इसको कंट्रोल करने का काम करता है थायरॉक्सिन हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए वी नीड एन मिनरल दैट इज नोन एज आइडीन नाउ इफ बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ आइडीन तो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाता और उस केस में जिसे हम कहते हैं हाइपोथाइरॉयडिज्म नाउ इन केस ऑफ हाइपर हाइपोथायरॉयडिजम क्या होता है दैट ऑर्गैनिज्म कैन हैव दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बींग कैन हैव एन डिजीज विच इज़ नोन एज गॉइटर जिसे गॉइटर कहा जाता है सो एनलाजमेंट ऑफ द थारॉयड ग्लैंड अकर्स इन दिस केस एनलाजमेंट हो जाता है थाइरॉयड ग्लैंड का जिसकी वजह से जो थ्रोट रीजन होता है वो काफ़ी इलाज हो जाता है फॉर देट पर्टिकुलर पर्सन और इसी को uh, हम कहते हैं हाइपोथाइरोडिज्म कंडीशन सो यस द स्पेलिंग विल बी टी एच वाई ओके नाउ आफ्टर दिस देयर कैन बी वन मोर ग्लैंड दैट वी कैन डिस्कस ओवर हियर एंड दैट इज पेनक्रियास पेनक्रियास के बारे में भी बात कर सकते हैं पेनक्रियासो पेनक्रियास इज एग्जो एंड एंडोक्राइनग्लॉन्ट बोथ तो ये हार्मोन भी सीक्रेट कर सकती है एंड इट कैन सीक्रेट दी डाइजेस्टिव जूसेस इज वेर सो वी विल टॉक अबाउट हार्मोस हेयर जो पेनक्रियास यहाँ पे हॉर्मोन सीक्रेट करती है वो है इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन हार्मोन का काम होता है टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल तो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है इफ इंसुलिन हॉर्मोन इज नॉट बींग मेड पूरे तरीके से अगर अच्छे से मेड नहीं हो पा रहा है बॉडी में या फिर फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो उस केस में क्या होता है कि पर्सन कैन सफर फ्रॉम एन डिजीज दैट इज नोन एज डायबिटीज डायबिटीज मलाइटिस एंड डायबिटीज इंसिपिटिस दो तरह की डायबिटीज हो सकती हैं दोनों में ही इंसुलिन का मैल फंक्शनिंग होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन कैन

And also there can be uh, there can be production of glucocorticoids. Now they have different different functions over here. and if these uh, uh, like these adrenal hormones are not being made properly in the body, ye they can cause a disease which is known as Edison's disease. Jiski se, uh, it is an autoimmune disorder Jiski se, it can uh, harm the body itself. it can harm the adrenal gland itself. सो इन द लाइट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट लेट्स रिवाइज द क्वेश्चन वंस अगेन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दी शुड बी द प्रॉपर मैच तो इंसुलिन की अगर हम बात करें इट कैन बी मैस्ड विध बोथ डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मलाइटस एंड थायरॉक्सिन की बात करें तो थायरॉक्सिन केस uh, में क्या होता है कि हाइपोथाइराइडिज्म होता है तो गोइटर कॉज हो सकता है कॉर्टिकॉइडस की बात करें तो एडीनल ग्लैंड सीक्रेट होते हैं एंड दे कैन भी मैस्ड विथ एडिसन्स डिजीज ओवर है ग्रोथ हॉर्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट कर रही है किस कंडीशन को राइज uh, कर सकती है एकरोमिग्याली को राइज कर सकती है तो so, यहाँ पर अगर हम ये सारे ऑप्शन को ध्यान में रखें तो ऑफकोर्स एज ऑप्शन फिफ्थ और ऑप्शन सेकेंड ईदर ऑफ देम कैन बी देर तो यहां पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर आई होप यू अंडरस्टूड वेल बेस्ट ऑफ लक